क्लास 10th हिंदी मीडियम लेसन नंबर 12 महाराणा प्रताप। कुछ कैरेक्टर्स इसमें आपको दिए हुए हैं, प्रताप सिंह जो कि मेवाड़ के शासक हैं, रावत कृष्ण ये राणा प्रताप के अनुयायी हैं, राव शक्ता वन ऑफ द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप के एक बहुत विश्वसनीय सेवक हैं, ही वॉज द चीफ ऑफ द सत्तावत्स, ये सत्तावत्स के चीफ हैं, भामाशाह ये राणा प्रताप के मुख्य सलाहकार भी हैं और उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं, और जो कि काफी अमीर भी हैं, ही वॉज अ रिच मैन। अमर सिंह राणा प्रताप के पुत्र का नाम। प्रताप सिंह विद द रेमनेंट्स ऑफ हिज फॉलोअर्स हिज फैमिली एंड देयर अटेंडेंट्स इज एनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ द अरावलीज, अरावली की पहाड़ियों में इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। इट इज डार्क, रात घिर आई है, एंड द चेन ऑफ माउंटेन फोर्ट्रेसेस लूम्स लाइक एन इम्प्रेग्नेबल ब्लैक एंड ब्लैक वॉल अबव देम, और पहाड़ों की जो श्रृंखला है वो एक दीवार के जैसे उनके सामने है। द रॉयल लेडीज आर रेस्टिंग आफ्टर द फटीग्स ऑफ मार्च एंड द राणा एंड सन प्रिंस अमर स्टैंड टुगेदर, जो महिलाएं हैं, जो शाही महिलाएं हैं, शाही घर की जो महिलाएं हैं वो आराम कर रही हैं क्योंकि वो थकी हुई हैं, और राणा अपने बेटे के साथ अमर सिंह के साथ बाहर खड़े हुए हैं, विड्रॉन लिटिल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं से थोड़ा दूर खड़े हुए हैं वो, अपनी सेना के जो सैनिक हैं उनसे थोड़ा दूर खड़े हैं वो दोनों। और बेसिकली ये जो कहानी है ये मेवाड़ की देशभक्तिपूर्ण कहानी है। इस कहानी में महाराणा प्रताप की पराजय के बाद की घटना जो है वो दी हुई है। महाराणा प्रताप अपने बचे हुए जो सैनिक हैं और अपने परिवार के साथ और उनके नौकर चाकर के साथ अरावली की पहाड़ियों की तराई में डेरा डाले हुए हैं, और ये जो स्थान था वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और कुछ दूर पर महाराणा प्रताप खड़े होकर अपने बेटे के साथ अपने पराजय के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने समय में मैंने मेरे पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति व साम्राज्य को संभाल कर रखा था, और अब तुम्हारी बारी है। हमारे पूर्वजों से जो हमको संपत्ति मिली है और जो ये राज्य मिला है इसको संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ये राणा प्रताप कह रहे हैं अपने बेटे अमर सिंह से। अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस प्राप्त करना ये तुम्हारा काम है, और उस पर शासन करना अच्छी तरीके से ये तुम्हारा काम है। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अंतिम समय तक मेवाड़ के बारे में ही सोचना, और उस युद्धों के मैदान को जरा याद करो जहां हमारी पराजय हुई थी। तो उनका जो बेटा था अमर सिंह वो अपनी तलवार की ताकत को आजमाना चाहता था जो उसे रावत कृष्णा ने दी थी, तो राणा प्रताप ने निश्चय किया कि वो एक गडरिये की तरह अपना जीवन यापन करेंगे और अपनी खोई हुई सैन्य शक्ति को वो फिर से इकट्ठा करेंगे। और कुछ समय बाद राणा प्रताप के जो मुख्य सलाहकार थे और जो मुख्यमंत्री थे भामाशाह, वो मुलाकात करने आते हैं राणा महाराणा प्रताप से, और उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप को उन्होंने विश किया और पैर छूकर उन्होंने कहा कि आपसे बहुत समय पहले जब हमारे पूर्वज यहां मेवाड़ में आए थे तो
राजा से यहाँ के हमको बहुत सहायता मिली थी, और तभी से मैं हमारे जो परिवार है वो यहाँ के जो मेवाड़ के जो राजा जो भी रहते हैं उनके प्रति हम हमेशा से हमारा पूरा साथ उन्हीं के साथ रहता है। और क्योंकि बुरे समय में मेवाड़ के राजाओं ने हमारी बहुत सहायता की थी, और अब मेवाड़ के राजकुमार संकट में हैं, भूखे हैं यहाँ के लोग, तो अब मैं भी कुछ सहायता करना चाहता हूँ, ऐसा भामाशाह ने कहा महाराणा प्रताप से। तो उनके पास जितना सोना था उस समय, वो उन्होंने कहा कि मैं ये सारा की सारा आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपनी सैन्य शक्ति को दोबारा इकट्ठा कर सको और अपने सैनिकों को खाना खिला सको और हथियारों का प्रबंध कर सको। ये कहकर उन्होंने ये कहा कि मैं अपना सारा जितना भी मेरे पास कीमती चीज है मैं सारी ये चीजें आपको अर्पित करता हूं। वो इतने ईमानदार थे भामाशाह, क्योंकि उनके पूर्वजों की सहायता मेवाड़ के राजाओं ने बहुत समय पहले की थी, तब से वो लोग विश्वसनीय थे महाराणा प्रताप के, और उनकी ईमानदारी देखकर राणा प्रताप बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सम्मान को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन मैं अब मेवाड़ का शासक नहीं हूं, मैं तो केवल एक गरीब जैसे दूसरे घूमने वाले रहते हैं मैं वैसा हूं, और जो मेरी सैन्य शक्ति थी वो बिखर गई है। उनकी बात सुनकर भामाशाह काफी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना भी खजाना है वो सारा सुरक्षित रूप से मैं आपको आपके पास लेके आया हूं, और जिसमें से एक भी सोने का सिक्का मैंने अपने लिए नहीं रखा, ये सब मेरी तरफ से आपके लिए है। हमारे पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त हथियार भी हैं और हमने घुड़सवार सैनिकों को दुश्मनों के पड़ाव के पास भेज दिया है, वो जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएंगे। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह से कहा कि यदि अच्छा दिन हमको फिर से आ जाता है, यदि हम जीत जाते हैं और अच्छे दिन हमारे फिर से लौट के आ जाते हैं, और चित्तौड़ के सूर्य का प्रतीक सिसोदिया पौधा पुनः खिल उठता है, तो तुम्हारे परिवार को पुनः सम्मानित किया जाएगा, फिर से तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। और उनकी महाराणा प्रताप की ऐसी बातें सुनकर भामाशाह ने कहा कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में सेवा का अवसर चाहिए। तो इस कहानी में जहां पर एक ओर महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर भामाशाह को समर्पण का प्रतीक बताया गया है। तो कुछ इतना कहकर भामाशाह कहते हैं, वील सी वेन दिस नाइट्स वर्क इज ओवर, महाराणा जी आई आस्क लीव ऑफ यू टू डिपार्ट, यू टू हैव मच टू थिंक ऑफ, आपको अभी आगे भी बहुत सोचना समझना है और सोच समझ कर कार्य करना है। एट एवरी माइल आर पोस्टेड वेल आर्म्ड मैन, दे नो द सिग्नल, फेयरवेल एंड हेवन बी विद यू इन योर मोस्ट नोबल पर्पस। और आपकी इस प्रयास में भगवान आपकी सहायता करें। इतना कहकर भामाशाह वहां से विदा लेते हैं, और उन्होंने बताया कि हर एक मील पर जो है वो उनके लोग खड़े हुए हैं, वो लोग सिग्नल को समझते हैं और वो आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे। तो एक इतनी बड़ी उन्होंने मदद की और वो इतने विश्वसनीय थे महाराणा प्रताप के कि उन्होंने अपना सारा खजाना जो था वो महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया, ताकि वो अपनी सैन्य शक्ति दोबारा इकट्ठी कर सकें और फिर से वो अपना जो राज्य था वो फिर से वापस जीत कर वहां पर शासन कर सकें। दैट वॉज द स्टोरी। एक विश्वसनीयता की और अपनी मातृभूमि के प्रति
जो हमारी भावना होती है देशभक्ति की, वो दोनों इस कहानी में हमको देखने को मिलती है।